गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास, हिंदी व्याकरण पाठ 8 विशेषण। सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण क्या है। संज्ञा या शब्दनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या शब्दनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा पढ़ चुके हो और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि ये बादल बने हुए हैं, काले बादल, तो ये काले जो है, रंग जो है इसका काला, वो क्या है, इसकी विशेषता है। प्यारी माँ, तो माँ में जो प्यारी लगी हुई है, प्यारी, तो ये है इसकी विशेषता। छोटा पौधा, छोटा जो दिया गया है वो इस पौधे की विशेषता है। जैसे कि कई चीज़ें होती हैं, बड़ा पेड़, मीठा आम, इस तरह से कई चीज़ें होती हैं। तो जो मीठा है, तो आम, अगर हम खाली आम बोलेंगे, मीठा नहीं बोलेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो मीठा जो हम बोल रहे हैं साथ में, मीठा आम, तो वो क्या है, उसकी विशेषता है। सफ़ेद गाय, नीली पतंग, शैतान लड़की, चालाक लोमड़ी, सुंदर लड़की, गर्म चाय, ठंडी आइसक्रीम, मोटी किताब, गंदा पानी, तो ये सब जो आगे ब्लू कलर में जो लिखे हुए हैं वो इनकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि जो आइसक्रीम है वो कैसी है, ठंडी, ठंडी जो है इसकी विशेषता है। किताब जो है मोटी, तो ये मोटी जो है इसकी विशेषता है। पानी गंदा है, तो जो गंदा जो है ब्लू में लिखा हुआ है वो इसकी क्या है, पानी की विशेषता। चाय जो है गर्म, तो गर्म जो है इसमें ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है वो इसकी विशेषता है कि चाय गर्म है। यानी जिस शब्द की, सुंदर लड़की, नीली पतंग, तो ये जो ब्लू कलर में जो शब्द लिखे हुए हैं वो क्या है, इनकी विशेषता बताते हैं। इस तरह से हम और देखते हैं, यहाँ कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, बड़ा, बुद्धिमान, भला, विनम्र, चतुर, दयावान, कड़वा, ऊँटा, ऊँचा, पुराना, नया, वार्षिक, ये सब शब्द जो दिए गए हैं ये सब इनकी विशेषण शब्द हैं। यानी कि जिसमें भी लगते हैं उसकी विशेषता बताते हैं। यहाँ नीचे दिए गए चित्रों को उनकी विशेषता से मिलान कीजिए। ये पेड़ वृक्ष बना हुआ है, क्या है ये, बड़ा, ये बड़े से बना हुआ है, ठीक है, तो पेड़ बड़ा है। अब यहाँ इमली, इमली कैसी होती है, खट्टी, तो मैंने इमली को खट्टी से मिलाया है। इस तरह करेला, करेला कैसा होता है, कड़वा, तो हम करेले को कड़वे से इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। आम कैसा होता है, मीठा या पीला, ठीक है। लड़की कैसी है, सुंदर, और शर्ट जो है, शर्ट को हम पीली से मिलाएंगे, नहीं, हाँ, अरे यार जी क्या है, जो शर्ट इसमें आई है उसका कलर चेंज है, तो वो शर्ट जो है ब्लू कलर की है और यहाँ लिखी है पीली, तो यहाँ हम इसको नीला कर देते हैं, नीली, तो हम इसको इससे इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। निम्नलिखित विशेषणों के साथ उचित विशेषण लिखिए। मीठी जलेबी, बड़ा पेड़, छोटा पशु, मधुर गीत, काला कुत्ता, मीठा आम, ये मैंने अपने मन से किए हैं। इस तरह से आम, इसको बदल कर भी आप इसको बदल कर भी लिख सकते हैं। जैसे कि कुत्ता लिखा है तो आप छोटा कुत्ता भी लिख सकते हैं उसको, तो ये अपने हिसाब से आप इसे कर सकते हो, चाहो तो यही फिल कर सकते हो अपनी बुक में। अब हम क्वेश्चन क देखेंगे। अपने लिए एक एक विशेषण लिखिए। आपकी आयु कितनी है, आपकी कमीज का रंग कैसा है, आप लंबे हैं या छोटे, ये आपको योर सेल्फ खुद से करना है। उदाहरण के अनुसार उपयुक्त विशेषणों व विशेष्यों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, लाल, ऊंची, चतुर, विद्वान, मैंने इसको फिल कर दिया है, तो आप इसको देखकर इसमें पढ़ते हुए रीड करते जाइए और इसे इसमें फिल कर लीजिए। ऊंची इमारत, चतुर बालक, विद्वान पंडित, ठंडी आइसक्रीम, गोल मेज, सुंदर लड़की, नया घर, विशाल वृक्ष, भला आदमी। अब आते हैं हम पाठ 9 क्रिया। अभी मैंने आपको विशेषण समझाया था, अब क्रिया देखिए। जिस शब्द से किसी काम या काम का करने या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि हम जो कोई काम करते हैं
किसी काम के करने इसे कर रहे हैं या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। इसे शेर दहाड़ रहा है तो दहाड़ जो है वो इसकी क्रिया है। मोर नाच रहा है तो नाच जो है वो क्या है, क्रिया है। माँ खाना बना रही है, बना जो दिया गया है शब्द ब्लैक में ये इसकी क्रिया है। यहाँ पर क्वेश्चन का दिया गया है, क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए चित्रों में क्या कार्य हो रहा है। लड़का खाना यहाँ आएगा खा रहा है, लड़का टीवी देख रहा है, माँ खाना बना रही है, लड़की दौड़ रही है, लड़का सो रहा है, बच्चे पौधे को लगा रहे हैं, लड़का व्यायाम कर रहा है, लड़की गुब्बारा पकड़ रही है, लड़का मुंह धो रहा है। तो इस तरह से ये जो शब्द मैंने लिखे हैं खा देख बना ये इसकी क्या है, क्रिया है, क्रिया शब्द हैं। यानी इससे इस काम इस, अगर इसको नहीं लिखेंगे लड़का खाना रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब हम खा लिखेंगे लड़का खाना खा रहा है तो यानी कि ये जो खा है वो क्या है, क्रिया शब्द है। इसके बाद है क्वेश्चन ख, आप सुबह जब स्कूल के लिए तैयार होते हैं तब आप कई कार्य करते हैं, वे कार्य बताते हुए और दिए गए चित्रों की मदद खाली स्थान को भरिए। ठीक है, जिस दिन मुझे स्कूल जाना होता है उस दिन मैं जल्दी, तो यहाँ आएगा उठता हूँ, फिर दंत मंजन करता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, फिर यूनिफॉर्म पहनता हूँ और स्कूल जाता हूँ। इस तरह से ये सेंटेंस आपने पूरे करने हैं। अब ये है निम्नलिखित क्रियाओं को वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को देखते हुए हमें क्या करना है, उन्हें पूरा करना है। खाना, खाना हमेशा समय पर खाओ। हंसना, हंसना अच्छी बात है। जगना, सुबह जल्दी जागना चाहिए। सोना, हमें समय पर सोना चाहिए। उठना, हमें जल्दी उठना चाहिए। आप कुछ भी इसमें अपने मन से कोई भी वाक्य इसमें बना सकते हैं लेकिन इन शब्दों को लेते हुए। ठीक है, तो ये आपका क्रिया जो है पूरा हो गया है। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी गई है, आओ दोहराएं। चित्र को देखकर 10 वाक्य लिखिए तथा उसमें आए क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ चित्र बना हुआ है, इसको देखते हुए आपको 10 वाक्य लिखने हैं इसके अंदर, तो ये आप खुद से करेंगे। ओके।